प्रभात, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संस्कृतम कक्षा 9th, जिसमें हम अष्टम पाठ लोह तुला पढ़ रहे थे, जिसको कल हमने आधा देखा था। इसमें क्या होता है, लोह तुला अर्थात लोहे की तराजू, एक वणिक व्यक्ति है और एक धनवान व्यक्ति है। जो वणिक व्यक्ति है वह बाहर धन कमाने के लिए जाता है विदेश में, और उस धनवान व्यक्ति के पास अपनी लोहे की जो पूर्वजों से प्राप्त उसको वह तुला अर्थात तराजू है वह उसको दे जाता है। लौट के जब आता है तो वह उसको व्यापारी, वो धनिक व्यापारी को वह तुला नहीं लौटाता और क्या कहता है कि उसकी तराजू को किसने, मूसक अर्थात चूहों ने खा लिया। फिर वह व्यापारी इस पर कुछ नहीं कहता और उसके बालक को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी में ले जाता है। और साकम गच्छ, वहाँ तक अपना हो गया था, अब अपन उसके आगे पढ़ेंगे। ले जाता है तो फिर वहाँ नदी के किनारे क्या होता है और उसकी तराजू मिलती है या नहीं, ये अपन आगे देखते हैं। अथ आसौ, आगे पढ़ते हैं। अथ आसौ, इसके बाद श्रेष्ठी पुत्र धन देवा, कि जो श्रेष्ठी का पुत्र उस व्यापारी, उस धनिक का पुत्र धन देव है, स्नानोपकरण अर्थात स्नान करने की, नहाने की सामग्री लेकर के प्रहृष्ट मनाहा तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, प्रसन्न होकर के उसके साथ में चला जाता है। किसके साथ, व्यापारी के साथ में चल दिया, चला जाता है। तथानुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायाम प्रक्षिप्य, तथा अनुष्ठित मतलब जहाँ पर वह हैं उस स्थान पर स वणिक वह व्यापारी स्नात्वा अर्थात नहा करके तम शिशुम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, उस शिशु अर्थात उस बालक को गिरि अर्थात पर्वत, गुहायाम अर्थात गुफा में, पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य अर्थात छिपा देता है। और तद द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगतः, कि उस गुफा की, उसको गुफा के अंदर बंद कर देता है और गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला, बृहत शिलया आच्छादय, बड़ी सी शिला से उसका द्वार बंद करके सत्वरम अर्थात जल्दी गृहम आगतः उस धनिक के घर में आ जाता है। सह श्रेष्ठी पृष्टवान, वह धनिक पूछता है, जल्दी लौट आता है तो वह धनिक पूछता है, भो अर्थात अरे अभ्यागतः, भो अभ्यागता अरे अतिथि कथ्यताम अर्थात कहो, कुत्र मे शिशु, कि मेरा बालक कहाँ है, यह त्वया सह नदीम गतः, कि जो तुम्हारे साथ में नदी पर गया था स्नान करने के लिए, ऐसा वह उससे प्रश्न करता है। इति स अवदत, वह बोलता है, कौन, वह वणिक अर्थात व्यापारी बोलता है, स तव पुत्र नदी तटात सेन हृतः इति, अर्थात तुम्हारे पुत्र को नदी तटात अर्थात नदी के तट से, किनारे से सेनेन हृतः अर्थात बाज हरण करके ले गया, बाज ले गया है। श्रेष्ठी अवदत, श्रेष्ठी बोलता है, जब वो वणिक उसको बोलता है कि उसको बाज, उसके पुत्र को बाज उठा ले गया है, तो वह श्रेष्ठी बोलता है कि मिथ्यावादिना अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो, तुम असत्य बोल रहे हो, किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम सकनोति, क्या कोई बाज किसी बालक को उठाने में शक्य है अर्थात ले जा सकता है क्या, ऐसा वह धनिक कहता है। तत् समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, कि वह वणिक से, धनवान व्यक्ति कहता है कि मेरे पुत्र को दे दो, नहीं तो मैं राजमहल में तुम्हारी शिकायत करूंगा, राजा के आगे राजदरबार में तुमको ले जाऊंगा, ऐसा उनके बीच में विवाद हो जाता है। सो अकथयत, कि वह वणिक बोलता है, क्या कहता है कि वो सत्यवादिनः, अरे सत्यवादी, यथा सेनो बालम न नयति, यथा सेनो बालम न नयति, वह वणिक कहता है कि यथार्थात जैसे सेनो बालम न नयति, कि जिस प्रकार बाज उस बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूसका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, उसी प्रकार वह चूहा भी उस तराजू को नहीं खा सकता, अर्थात कैसे खा सकता है, अर्थात कैसे खाने में शक्य है। तदर्पय मे तुलाम, कि मेरी तुला मुझको दे दो, यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि तुम अपना पुत्र चाहते हो तो मेरी तुला अर्थात मेरा तराजू वापस कर दो, ऐसा वह व्यापारी कहता है। एवं विवदमानौ
तौ द्वापि राजकुलम गतौ। ऐसा विवाद करके झगड़ के जब कोई समाधान नहीं निकला तो वह राज दरबार में राजा के पास जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत, वहाँ पर वह धनिक वह श्रेष्ठी तार स्वरेण अर्थात ऊँचे स्वर में और दुखी होते हुए कहता है, भो अरे वंचितोहम, कि मैं ठगा गया हूँ, वंचितोहम वंचितोहम मैं ठगा गया हूँ। राजा के सामने कहता है चिल्लाकर, अब ब्रह्म हम, अर्थात अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं ठगा गया हूँ। अनेन चोरेण मम शिशु अप्रता, कि इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का हरण किया गया है, ऐसा वह राजा से कहता है। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन, उसके बाद वह राजा जो धर्माधिकारी है वो उससे बोला, राजा बोलता है, भो समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, कि अरे वणिक तुम इसे श्रेष्ठी सुत अर्थात धनिक के पुत्र को दे दो, लौटा दो। सो अवदत, किम करोमि, कि मैं क्या करूं, किम करोमि सो अवदत, अर्थात वह वणिक बोलता है कि मैं क्या करूं, पश्यतो मे नदी तटात सेनेन शिशु अप्रहता, कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि नदी के तट से बाज उस इस धनिक व्यक्ति के पुत्र को उठा ले गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन भो, ऐसा सुनकर के वह बोले, अरे भवता सत्यम न अभिहितम, किम सेना शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, भवता अर्थात तुम सत्यम न अभिहितम, कि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, क्या कोई सेना अर्थात बाज शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, कि शिशु को हरण करने में समर्थ है। सो अवदत, भो भो अरे अरे श्रूयताम मदवचः, कि वह वणिक कहता है कि अरे मेरी बात सुनो, किससे, राजा से कहता है, क्या कहता है, कि तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजतंत्र हरे छेन्नो बालकम नात्र संशयः, जैसा उसके साथ हुआ वैसा उसने उसे सॉरी मतलब जैसा बालक वणिक के साथ हुआ वैसा ही उसने उस धनिक के साथ किया, कि उसने उसकी तराजू चुराई तो उसको सबक सिखाने के लिए इसने उसके पुत्र को छिपाया। अब आगे क्या होता है तो देखते हैं, कि तुलाम वह क्या कहता है वणिक, तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजतंत्र हरे छेनो बालकम नात्र संशयः, कि तुलाम लोह सहस्रस्य, जबकि लोह की तुला यत्र अर्थात जब लोह सहस्रस्य तुलाम, कि लोहे की तुला को, खादंती मूसका, कि मूसक खा सकते हैं, चूहा खा सकते हैं, तो राजतंत्र हरे छेनो बालकम नात्र संशया, कि हे राजन के हरे छेनो बालकम नात्र संशया, कि सेन अर्थात बाज बालक को क्यों नहीं उठा सकता, बालक का हरण क्यों नहीं हो सकता। ते अप्रच्छन कथम एतत, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कहते हैं। फिर आगे कहते, तथा स श्रेष्ठी सभा सभ्यानामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदत, ततः अर्थात तब वह सह श्रेष्ठी वह श्रेष्ठी वह धनिक सभा सभ्यानामग्रे कि सभानामग्रे सभी सभासदों के बीच में आदितः कहता है सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदत, कि अपना सभी वृत्तांत कहता है कि कैसा हुआ, वणिक उसको तराजू दे करके गया, फिर विदेश से वापस आया और मैंने इससे ऐसा बोला, ये सभी वृत्तांत उसको सभा में सुनाता है। ततः फिर न्यायाधिकारिणः विहस्य, कि सभी हंसने लगते हैं इन दोनों के वार्तालाप पे और इन दोनों की घटना पे। तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, और दोनों में क्या है तो मतलब संतोष को प्राप्त होते हैं, राजा इन दोनों का समाधान करा देते हैं और उसको उसका शिशु धनिक को उसका बालक और वणिक को उनकी तुला मिल जाती है। इस प्रकार इस समस्या का समाधान होता है और यही इस कहानी का सार है, कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही अपने साथ होता है। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो अपने साथ भी अच्छा होगा, इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करें और अच्छे से रहें, ऐसी अपने को इस पाठ से शिक्षा मिलती है। लोह तुला पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है, इसका आप अभ्यास सॉल्व करें और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप विद्यालय में आकर के हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।